बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स कंप्यूटर क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सिक्स का हमारा यूनिट नंबर टू चल रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर। जी आपकी बुक का पेज नंबर 41 है, आप ओपन कर लें, ठीक है। हम फिर इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर। One of the main feature of Microsoft Windows is to manage files and folders. Computer store data in the form of files. यानी आप कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर करते हो, ठीक है, वो आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है? फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। और जब हम बहुत सारी फाइल्स को मिला के जब एक जगह पे इकट्ठा रख देते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यानी फोल्डर एक जो है ना, फोल्डर क्या चीज होती है? जिसके अंदर हम बहुत सारी फाइल्स जो हैं वो रख सकते हैं। दीज फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर इन द ड्राइव, और फिर इनको ड्राइव के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। आगे कहता है दीज फाइल्स आर स्टोर्ड इन ड्राइव सच एज हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। नेक्स्ट है हमारा फाइल। अब फाइल क्या होती है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मैंने एक कोई भी कंप्यूटर के नाम से, ठीक है, मैंने कोई एक लेक्चर बनाया या मैंने कोई टेस्ट बनाया, कोई पेपर बनाया, ठीक है, उसको जब मैंने अपने पीसी के अंदर सेव किया तो ये देखें, ये एक फाइल बन गई है, ठीक है। अब ये सिक्स कंप्यूटर लेक्चर टू के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है और सिक्स कंप्यूटर लेक्चर वन के नाम से दूसरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। यानी जो भी मैं डेटा अपना स्टोर करवाऊंगी वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? फाइल की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरे पास दो फाइल्स थी, एक लेक्चर वन के नाम से थी, एक लेक्चर टू के नाम से थी। मैंने इन दोनों फाइल्स को, दोनों कंप्यूटर के लेक्चर है ना, ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है। फोल्डर को मैंने क्या नेम दिया? कंप्यूटर, ताकि मुझे पता चले कि इसके अंदर मेरे कंप्यूटर के जो है लेक्चर्स पड़े हैं। मैंने एक फोल्डर बनाया, उसको अब मैं ओपन करूंगी तो देखें यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स पड़ी हुई है, ठीक है। यानी एक सिंगल जो चीज होगी वो फाइल होगी, ठीक है, और वो जगह या वो लोकेशन कंप्यूटर के अंदर जिसके पास, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल फाइल्स है, फोल्डर्स पड़ी हुई है, वो आपका मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई है, वो आपका फोल्डर होगा। यहाँ पे इसकी रीडिंग भी आप कर लेते हैं। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। यानी कोई भी डेटा है जो आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर करोगे, ठीक है, वो आपका किस फॉर्म में स्टोर होगा? फाइल की फॉर्म में स्टोर होगा। There are different type of files such as text file, graphic files. अब आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपनी पिक्चर्स भी स्टोर करते हो तो वो कौन सी फाइल टाइप बनेगी? ग्राफिक फाइल बनेगी। इसी तरह से आप कोई डॉक्यूमेंट्स स्टोर करवाते हो तो वो टेक्स्ट फाइल बनेगी। इसी तरह से कोई ऑडियो है, वीडियो फाइल्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होती हैं आपके पास। फाइल्स कैन बी स्टोर्ड इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड डिस्क, फ्लैश मेमोरी, यानी आप कहीं भी स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। अब आप देखो कि जो भी फाइल आपके पास बनती है, ठीक है, यहाँ पे आपका पेज नंबर 41 पे बताया गया पिक्चर डॉट जेपीजी, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से आपको स्टोर शो करवाना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी फाइल टाइप क्या दी हुई है, MP4 यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। MP4 क्या है? इसकी एक्सटेंशन है। इसकी एक्सटेंशन से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो फाइल है वो किस टाइप की है। अब जैसे यहाँ की बुक पे पिक्चर डॉट जेपीजी लिखा हुआ है तो पिक्चर आपकी फाइल का नेम होगा, डॉट के बाद हमेशा ये याद रखिएगा एक्सटेंशन आती है जेपीजी। अब जेपीजी हमें ये बता रही है कि ये एक पिक्चर फाइल है, ठीक है। हमें एक्सटेंशन से ये पता चलता है कि हमारी फाइल जो है वो किस टाइप की है। नेक्स्ट है हमारे पास फोल्डर। फोल्डर आर लाइक एनवेलप्स आर ड्रॉर्स इन विच अ यूजर कैन प्लेस डेटा। अब मैंने बताया फाइल एक सिंगल चीज होती है, और जब आपने, जैसे आप एनवेलप के अंदर बहुत सारी चीजें रख देते हो ना, इसी तरह से मैंने ये यहाँ पे एक फोल्डर बनाया। फोल्डर के अंदर देखें आप, मेरे पास दो चीजें पड़ी हुई है, यहाँ दो पड़ी हुई है, यहाँ पे आप देखें मेरे पास मल्टीपल फाइल्स पड़ी हुई है। तो एक फोल्डर बनाऊंगी, उसके अंदर मैं जितनी मर्जी फाइल्स डालना चाहूँ मैं डाल सकती हूँ, ठीक है। तो फोल्डर जो होता है वो एक एनवेलप की तरह होता है। नेक्स्ट है आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ फोल्डर। तो पेज 42 पे आप देखें जो पहली पिक्चर बताई गई है, अ बिग पाइल ऑफ बुक्स, यहाँ पे आप देखो
जो है आपकी बुक्स जो है वो ऐसे ही पड़ी हुई है, रैंडम पड़ी हुई है, कोई बुक कहाँ पड़ी हुई है, कोई बुक कहाँ पड़ी हुई है। सेम इसी तरह से अब मेरे पास जो है डिफरेंट क्लासेस के लेक्चर्स थे, ठीक है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10। अब 6 के आपको पता है कि कंप्यूटर के लेक्चर, मैथ्स के, सारे सब्जेक्ट्स के होते हैं। तो मैंने क्या किया, बजाय इसके कि उनको मैं ऐसे ही रैंडम यहाँ पे इस तरह से रखूँ और मुझे ढूंढने पड़े कि मैंने 6 का कहाँ पे रखा था, 7 का कहाँ पे रखा था, तो मैंने क्या किया, फोल्डर्स बना लिए। क्लास 6 का अलग मैंने फोल्डर बना दिया, 7 का अलग बना दिया, ठीक है, ताकि अब मैं ये 6 क्लास के फोल्डर को ओपन करूँ, आगे मजीद सब फोल्डर्स बने हुए, कंप्यूटर, इंग्लिश ए बी, मैथ, SST। अब मुझे जिसका लेक्चर ढूंढना है, मैथ को फॉर एग्जांपल ढूंढना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगी तो मुझे सारे मैथ्स के लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोल्डर क्या होती है कि आप अपने डेटा को एक मैनेज वे में जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्राइव। अब ड्राइव क्या होती है आपके पास, के ड्राइव आपके पास क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी जो है ना हार्ड डिस्क लगाई हुई है, ठीक है, उसकी जब आप पार्टीशंस कर देते हो डिफरेंट, ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको इसको दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि मैंने यहाँ से माई कंप्यूटर ओपन किया, अब ये देखो सी ड्राइव DEHFG। अब बजाय इसके कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारी 100 चीजें हैं, ठीक है, अब आप 100 चीजें एक जगह पे रखोगे, ठीक है, तो आपको ढूंढने में मुश्किल होगी ना। अब बजाय इसके 100 को आप एक जगह रखो, आप उनके उनको डिवाइड करवा, 25 एक जगह रख लो, 25 दूसरी जगह रख लो, फिर जब आपको सर्च करना होगा तो वो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपनी हार्ड डिस्क की पार्टीशंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें मैनेज करना आसान रहे। यहाँ पेज 43 पे भी आप देखो तो ये आपके पास ड्राइव्स बनी हुई है, लोकल ड्राइव, डिस्क CDEF, ये आपके पास ड्राइव्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग फोल्डर, के आप फोल्डर क्रिएट कैसे करते हो, तो इसका आपको मैं मेथड बता देती हूँ। आप अपने माउस का राइट बटन क्लिक करें, ठीक है, डेस्क का जिस फोल्डर में मर्जी चले जाएं राइट क्लिक करें, ये न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे जब आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी लिस्ट ओपन होगी, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको फोल्डर नजर आ रहा है, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ बच्चों देखो आपके पास एक न्यू फोल्डर बना हुआ आ गया। मैं फिर एक बार आपको बता देती हूँ, यहाँ पे देखो मैंने राइट क्लिक किया अपने माउस का, ठीक है, मैं न्यू पे गई, उसके बाद जो फर्स्ट आपके पास है फोल्डर के नेम से आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये न्यू फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, राइट क्लिक एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप, राइट क्लिक मेन्यू अपीयर्स, मूव ओवर न्यू, यानी न्यू पे जाएं और उसके बाद फोल्डर पे जाएं तो आपके पास फोल्डर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये बता रहा है जी के क्रिएटिंग अ फोल्डर फ्रॉम फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू से आप कैसे जो है ना फोल्डर को क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे जी जाओ आप जो है ना इसको किसी भी मेन्यू में जाओ, लेट्स सपोज मैं MS Excel पे जाती हूँ, ठीक है, या MS Word पे आपने काम किया हुआ है, ठीक है, MS Word पे चलते हैं हम या Excel पे चले जाते हैं, ये ओपन होएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, ये देखो फाइल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मैंने विंडो ओपन की हुई है, उसमें जब मेन्यू बार में फाइल पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो जब आप फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपको इसी तरह से न्यू का ऑप्शन देगा, न्यू पे जाओ तो यहाँ पे आप कोई भी जो है ना इसको सिलेक्ट करोगे तो वो आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे कि अगर डॉक्यूमेंट पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे जो है ना माय डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होगा, उधर भी फाइल मेन्यू, वो जो मैंने आपको बताया था ना मेन्यू बार, ठीक है, अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है, आप सिंपल क्या करोगे, माय डॉक्यूमेंट में जाओगी, ऊपर मेन्यू बार में जो फाइल मेन्यू आ रहा होगा वहां पे क्लिक करोगे, न्यू के ऑप्शन में जाओगे तो वो आपका फोल्डर वहां से बन जाएगा, ठीक है।
अब आप ऐसा करें कि नेक्स्ट है ये यहाँ पे क्रिएटिंग अ फोल्डर फ्रॉम टास्क पेन, ठीक है कि टास्क पेन से आप जो है ना वो कैसे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो आप माय डॉक्यूमेंट का फोल्डर ओपन करो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हम डॉक्यूमेंट्स पे गए, ठीक है माय डॉक्यूमेंट्स पे जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा मेक अ न्यू फाइल आर फोल्डर, ये टास्क पेन, जब यहाँ पे ये क्यों नहीं कह रहा, ठीक है यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन होगा मेक अ न्यू फोल्डर का, तो वहां पे आप जस्ट क्लिक करोगे तो आपका जो है ना शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के ऊपर इवेंट्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 55 पे है। फोल्डर की डेफिनेशन आपके डिफाइन द फॉलोइंग, आपके पास डेस्कटॉप हो गया था, फोल्डर है सेकंड, तो हम इसको देख लेते हैं। फोल्डर पेज नंबर 41 पे है, आप अपना 41 पेज ओपन करें। तो ये फोल्डर की डेफिनेशन है, फोल्डर आर लाइक एनवेलप्स अ ड्रॉअर्स इन व्हिच अ यूजर कैन प्लेस डेटा, अ फोल्डर कैन कंटेन फाइल एंड इवन अदर फोल्डर्स, दे आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा, ये दो लाइंस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टार्ट मेन्यू हो गया था, इसके बाद अब आप क्वेश्चन नंबर 5 के फिफ्थ पार्ट पे आए, व्हाट इज अ ड्राइव, तो ड्राइव आपकी पेज नंबर 43 पे है, ठीक है। ये स्टोरेज एरिया इन एनी स्टोरेज डिवाइस से लेकर आपने यहाँ एंड तक करना है, क्रिएटिंग फोल्डर से ऊपर तक, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज फाइल, राइट द पार्ट्स ऑफ अ फाइल विद एन एग्जांपल, तो यहाँ पे आपने जी लिखना है, पेज नंबर 41 पे है इसका आंसर, फाइल का कंप्लीट, और नीचे ये जो लिखा है ना पिक्चर डॉट जेपीजी, ये आपने लिखना है, ठीक है। एग्जांपल की हेडिंग दे के नीचे आपने ये लिखना है, और फिर बताना है कि पिक्चर जो है वो फाइल नेम है और जेपीजी जो है वो फाइल एक्सटेंशन है, यानी इसी तरह से जैसे डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है आपने उसी तरह से बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउ कैन यूजर क्रिएट फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू, तो इसका आंसर पेज 43 पे है, क्रिएटिंग अ फोल्डर यूजिंग राइट क्लिक मेन्यू, ये जितने भी इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, क्रिएटिंग अ फोल्डर फ्रॉम फाइल मेन्यू से ऊपर तक जितने भी स्टेप्स हैं जो है आप लोगों ने यहाँ तक इसका आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोल्डर एक्सप्लेन ब्रीफली विद एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपका है जी इम्पोर्टेंस, ये पेज नंबर 42 पे है, ठीक है। आपने ये सारा ऊपर से लिखना है, सपोज अली इज लुकिंग फॉर हिज मैथ बुक, ठीक है, यहाँ से लेकर आपने नीचे एंड तक लिखना है, इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, ठीक है। ये पेज नंबर 42 आपका फुल आएगा, सही है। यहाँ तक जो मैंने आपको क्वेश्चन के आंसर्स लगवाए हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है ना इसको नीट नोटबुक के ऊपर राइट करना है, बहुत नीट काम करना है, ठीक है। और राइट करने के बाद आप लोगों ने इनमें से क्वेश्चंस जो है वो याद भी करने हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।